तुम्हें इंटरव्यू की क्या जरूरत है? समझो तुम्हें नौकरी मिल गई। नौकरी चाहिए थी तो मुझसे कहती, मैं तुम्हें उसी वक्त रख लेता। थैंक्स, पर फिर भी मेरा इंटरव्यू जरूर लेना, और अगर मैं इस जॉब के काबिल हूँ तो ही मुझे जॉब देना। अपनी काबिलियत से जॉब लेना चाहूंगी। वेल संयुक्ता, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कितनी काबिल हो, इसलिए मैं तुमसे टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, मैं तुमसे एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूं। बाहर 3 मेल कैंडिडेट्स इस जॉब के इंटरव्यू के लिए बैठे हैं, तो उनकी बजाय मैं एक फीमेल कैंडिडेट को क्यों सिलेक्ट करूं? नंबर 1 कि मैं MBA ग्रेजुएट हूं, नर्सरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक हमेशा मैं सिर्फ और सिर्फ टॉपर रही हूं। मतलब टॉपर कोई मेल नहीं था, यानी सक्सेस काबिलियत से मिलती है। दुनिया में ऐसे कई काम हैं जिनके लिए मेल्स को नहीं फीमेल्स को ट्रेन किया जाता है। मल्टीटास्किंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये हर कोई जानता है। औरतें इन सब में माहिर होती हैं। अपने परिवार की ज़रूरतों का कितना ध्यान रखती हैं। एक बच्चे को जन्म देने के लिए औरत कितना दर्द सहती है वो मर्द नहीं सह सकता। साइंस की फील्ड में रिसर्च कहती है कि औरतों की मेंटल स्टेबिलिटी मर्दों से ज़्यादा होती है। बिजनेस के एंगल से भी औरतें जो फाइनेंशियल मॉडल्स बनाती हैं वो मर्द नहीं बना सकते। मैं समय की कीमत जानती हूँ, इसलिए ना अपना टाइम वेस्ट करती हूँ और ना दूसरों का वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप मुझे ये जॉब देते हैं तो इस कंपनी का बेस्ट एम्प्लॉई और बेस्ट परफॉर्मर मुझे ही पाएंगे, ये मेरा दावा है। सो मुझे ये जॉब देना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, मेरे लिए नहीं। वाओ, इलेक्ट्रिफाइंग, यू आर सिलेक्टेड, तुम कल से ही ज्वाइन कर सकती हो। Make calls to all these people and close at least 10 sales by end of the day. Okay? All right. Okay. Hello? Hi, ye call Matrix Advertising se hai. Ek ad sale ke bare mein. Okay. Hum aapko best rates dete hain print, web aur digital medium par ads ke liye. Any requirements, sir? Sorry, not interested. Thank you. Have a nice day. Yes? Hi, you call Matrix Advertising, sir. Ek ad not interested. Okay. Thank you. Hello? Hi, this is from Matrix Advertising. Contact. संयुक्ता, तुम्हें कस्टमर्स को अटेंड करना चाहिए। देखो, तुम्हें कस्टमर से अच्छे से बात करनी चाहिए। हे संयुक्ता, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, गुड गोइंग। वो जो पूछे उसका जवाब दो, तुम कर लोगी, मुझे पता है। ठीक है, मायूस मत हो। सुनो सितारा, विजयवाड़ा से जो रिश्ता आया है वो लोग आज शाम तक हमसे जवाब चाहते हैं। मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाई पूरी की ताकि एक अच्छी नौकरी कर सकूं, तो क्या मैं शादी के चक्कर में नौकरी छोड़ दूं? ये बहुत अच्छा रिश्ता है बेटा, नौकरी इतनी जरूरी नहीं है। बहुत हो गया, अब इंडिया वापस आ जाओ। सितारा, कोई प्रॉब्लम है क्या? इंडिया से मेरी माँ का फोन था, मेरे लिए एक रिश्ता आया है। रिश्ते के आगे उन्हें मेरा जॉब करना पसंद नहीं है। समझ नहीं आ रहा इस बात को लेकर खुश हूँ या नौकरी जाएगी ये सोचकर अफसोस मनाऊं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। जो रिश्ता तुमसे तुम्हारी खुशी ही छीन ले वो कैसे अच्छा हो सकता है? सितारा, अभी तो तुम्हारी शादी तक नहीं हुई है, अभी से इतनी कंडीशंस दे रहे हैं तुम्हें, सोचो शादी के बाद क्या होगा। अपनी माँ की बात बिल्कुल मत सुनो, अपने दिल की बात सुनो। अपनी जिंदगी की ओनर, फाउंडर और सोल प्रोप्राइटर सिर्फ तुम हो। बाय बाय। दूसरों से ये कहना बहुत आसान है कि अपने मन की सुनो, लेकिन तुम खुद क्या कर रहे हो? तुम्हारे मकसद का क्या हुआ? तुम खुद से किया हुआ वादा आखिर कैसे भूल गई? मैं जान गई मुझे बड़े होकर क्या बनना है। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं पूरी दुनिया को बताऊंगी कि आप कितने महान हो। मैं बड़ी होकर बिजनेस करूंगी। ए
बेटा तुम जिंदगी में कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हो ये बात इतनी मायने नहीं रखती जितनी ये बात मायने रखती है कि तुम जिंदगी में खुश कितने हो जिंदगी में कौन कितना दुखी है इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। मेरा इस जॉब में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। सडनली ऐसा क्या हो गया? देखो एक कस्टमर या सेलर के बीच का रिश्ता जो होता है वो विश्वास का होता है और मैं इस तरह से झूठ और छल कपट और कॉम्प्रोमाइज से मैं इस रिश्ते की बुनियाद नहीं बना सकती। मैं घर वालों से बात ऐसे ही करूंगा जैसे हमारी अरेंज मैरिज हो और हम सिर्फ कंपनी के लिए काम कर रहे हैं संयुक्ता और हमें अपनी कंपनी की पॉलिसीज के हिसाब से चलना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज फ्रेंड है जो रोज अपना हक अदा करता है एक क्लोज फ्रेंड की तरह और झूठ हमारा पड़ोसी है जो हमेशा हमारे साथ रहता है और रही बात छल कपट की तो एक लवर की तरह होता है। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ रही हो। आज कुछ ज्यादा जल्दी नहीं आ गई? Is everything okay? Yeah. तुमने अपना टारगेट पूरा कर लिया राइट? कुछ दिनों के लिए छुट्टी क्यों नहीं ले लेती हो? नहीं, ऑफिस में अच्छा लगता है। घर में कोई परेशानी है क्या? मेरे भाई ने उस दिन हमें रेस्टोरेंट में देख लिया था उसी को लेकर घर में टेंशन है। दो दिन में सब ठीक हो जाएगा तुम फिक्र मत करो। जब वो छोटा था कैसा दिखता था? अब देखो कितना बदल गया है। मैं ही हूँ। और देखिए। अच्छा ये कौन है? मेरा नाम विजय आनंद है। हमारी कंपनी ज्वाइन करने से पहले ही मैं संयुक्ता को जानता हूं। उससे मिलने के बाद मुझे लगा कि जिस चीज की मुझे एक अरसे से तलाश थी शायद मेरी वो कमी अब पूरी हो गई। जब से उसने ये कंपनी ज्वाइन की है मैंने उसके साथ बहुत वक्त गुजारा है और अब मैं उसके बारे में एक एक चीज जानता हूं। उसके साथ ने मेरे दिल में उसके लिए इज्जत और बढ़ा दी है। वो भी मुझे पसंद करती है लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आप लोगों की मर्जी के खिलाफ कदम उठाएगी इसीलिए उसने आप लोगों से हमारे बारे में जिक्र नहीं किया। अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो मैं उसे अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूं। मां होने के नाते आपका डर जायज है। मैं बिना मां की ममता के पला बड़ा हूं। आपका आशीर्वाद रहा तो वो मां बनकर मेरा ख्याल रखेगी और पत्नी बनकर प्यार देगी। वही मेरे लिए सब कुछ होगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं मैं हमेशा उसे खुश रखूंगा उसका पूरी तरह से ख्याल रखूंगा ये मेरा वादा है। संयुक्ता जब अर्जुन ने कहा कि उसने तुम्हें किसी लड़के के साथ देखा है तो मुझे बहुत गुस्सा आया लेकिन उससे बात करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो अच्छा लड़का है। आज सुबह विजय यहाँ हमसे मिलने आया था उसी ने तुम्हारा हाथ मांगा है। विजय तुमसे बहुत प्यार करता है ऐसा लड़का तुम्हें मिला ये तुम्हारी खुशनसीबी है। हम लोग ने फैसला किया है कि अच्छा सा मुहूर्त देखकर शादी करवा देते हैं। संयुक्ता लो जो रानी फंसने वाली थी उसी ने राजा को मात दे दी। हेलो तुम किस बारे में इतनी गहराई से सोच रही हो? कि तुम आज घर गए और हमारी शादी की बात की बस यही सोच रही हूँ। उस बारे में इतना क्या सोचना तुम्हें तो खुश होना चाहिए है ना? विजय मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें मैं समझाऊं कैसे। बस शॉर्ट में इतनी बात समझ लो कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। तुम शादी ही नहीं करना चाहती हो या मुझसे शादी नहीं करना चाहती? विजय क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो इतना जितना कहा है उतना समझ लो। संयुक्ता तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो। तुम्हारे घर वालों को राजी करना कितना मुश्किल था
अब तुम ही शादी से इनकार कर रही हो? तो मेरे घर वालों से बात करने से पहले मुझसे बात की थी। तुमसे मैं सिर्फ इसलिए शादी कर लूं क्योंकि तुमने मेरे घर वालों को मना लिया है। मुझे लगा तुम्हारे घर वाले मान गए तो तुम भी मान जाओगी। क्यों, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं जी सकती। ये मेरी जिंदगी है और मेरी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्यों दिलचस्पी नहीं है? संयुक्ता, मेरी बात का जवाब दो। मुझे पता है शादी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपनी जिंदगी अकेले जीने में और किसी और के साथ जीने में बहुत बड़ा फर्क होता है। जिंदगी की सारी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैं चाहती हूँ मैं शादी से पहले अचीव करूँ। जैसे कि? हर इंसान को जिंदगी में सपने देखने का हक होता है और सब में कोई ना कोई टैलेंट होता है, फिर चाहे तुम हो, मैं हूँ या कोई और। और जब कोई ये समझ जाता है उसी दिन उसकी जिंदगी का असली सफर शुरू होता है। मैं भी अपना टैलेंट यूज करना चाहती हूँ और अपनी जिंदगी में एक मुकाम हासिल करना चाहती हूँ। संयुक्ता, अब तक मैंने तुमसे एक राज छुपा के रखा हुआ था, मुझे लगता है उसे बताने का वक्त आ गया है। जिस कंपनी के लिए तुम काम करती हो वो मेरी नहीं, मेरे पिताजी की है। मुझे सिंपल जिंदगी पसंद नहीं है, इसलिए एक MD होते हुए भी मैं यहाँ मैनेजर की हैसियत से काम करता हूँ। अगर तुम मेरी लाइफ पार्टनर बन जाती हो तो एक तरह से तुम उस कंपनी में पार्टनर बन जाओगी। और जहां तक मैं समझता हूँ तुम जिंदगी में इससे ज्यादा क्या हासिल करोगी? थैंक्स, मैं इस तरह हासिल करना भी नहीं चाहती, मेहनत करना चाहती हूँ। ये जिंदगी मेरी है तो फैसले भी मेरे होंगे। पैसा खुशियां तो लाता है लेकिन कामयाबी का एहसास सिर्फ कड़ी मेहनत लाती है। तुम वो समयुक्ता नहीं जिससे मैं पहली बार मिला था, तुम बदल चुकी हो। मैं हमेशा से ऐसी थी विजय, शायद तुमने मुझे पहचानने में देर कर दी। अगर 100 औरतें भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार होती तब भी मेरी नजर सिर्फ तुम पर आकर टिकती। मुझे सिर्फ सिंपल लाइफ और सिंपल वाइफ चाहिए थी, लेकिन आज तुम्हारी बातें सुनकर यह एहसास हो रहा है कि तुम सिंपल लड़की नहीं हो। मैं हमारे इस रिश्ते को आज और इसी वक्त खत्म करता हूँ। गुड बाय। एक मिनट मिस्टर विजय, जब आप ऑफिस पहुंचेंगे मेरा रेजिग्नेशन लेटर आपके टेबल पर होगा।